पहलू ही आप ये देखें। शादी का सुन्नत तरीका, निकाह सुन्नत तरीके से कैसे करें, जल्दी कर लें शादी और क्या, बहुत लेट हो गए हैं आप, अब बस कर लें, पहला सुन्नत तरीका तो ये। दूसरा ये कि जहेज ना लें। तीसरी बात ये कि बारात को ना बुलाएं, लड़की वालों की तरफ से खाना वाना नहीं होता, यानी बारात में ना जाएं, बल्कि लड़की वालों को बोलें कि मस्जिद में निकाह पढ़ाओ, चार छः आदमी अपनी तरफ से ले आओ और निकाह पढ़ा के पतली गली से वापस निकल जाओ, और जब रुख्सती हो जाए तो अगले दिन आप वलीमा कर लें और वलीमे में सबको बुलाएं आप, आपको जितनी अल्लाह ने गुंजाइश दी उस हिसाब से पब्लिक को खाना खिलाएं आप, ज़नानियों को मर्दाना में ना घुसने दें, मर्दानों को ज़नाने में ना घुसने दें, तो ये बेहूदगी की बात है, और उसमें म्यूज़िक मौसीकी वगैरह का इंतज़ाम ना हो, तमीज़ से खाना हो, और जहेज़ ना लें आप। जहेज़ नहीं लेंगे तो वो जो उसका तरीका क्या है वो मैं पहले बताता हूँ कि आप जो रुख्सती के लिए बेगम को जहाँ लेकर आएंगे उस कमरे को पहले से आप डेकोरेट कर दें, सोफे लाके डाल दें, डबल बेड डाल दें, अलमारियाँ डाल दें, बता दें लड़की वालों को आप कहाँ, यहाँ जगह ही नहीं है तो सोफे रखोगे कहाँ पर, तो जहेज़ की जगह नहीं हमारे घर में, एक्सक्यूज़ मी।